नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आज का वीडियो हमारा एल्यूमिनियम क्लीनर पे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हम एल्यूमिनियम क्लीनर बनाने वाले। मोस्टली एल्यूमिनियम क्लीनर जो मार्केट में बिकते हैं उसमें कुछ टाइम के बाद स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो कि एसिड की स्मेल लगती है। तो इस मेजरमेंट को कुछ इस टाइप से सेट किया है कि आपका प्रोडक्ट भी अच्छी क्लीनिंग देगा और इसमें एसिड की स्मेल भी नहीं आएगी। तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, तो सीधा प्रैक्टिकल पे चलते। सबसे पहले मैं एक छोटा सा 500 ग्राम का बैच बना रहा हूँ। आप चाहो तो पहले 500 ग्राम का बैच बना के इसको ट्राई कर लेना, और फिर चाहो तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से आप बड़ा बैच बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 95 ग्राम पानी लेंगे। पानी ले लिया। अब इसमें 5 ग्राम एसिड स्लरी लेंगे। एक्चुअली हम साइट्रिक एसिड को जब हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं और उसको अगर हम किसी भी सोडियम के साथ न्यूट्रिलाइज करेंगे तो सोडियम साइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें इस प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए हमें बीच में एक फ़िल्टर यूज़ करना है, फ़िल्टर बनाना है, जिससे कि साइट्रिक एसिड अपना पावर भी कम ना करे और हमारा प्रोडक्ट क्लीनिंग भी अच्छी दे। तो सिंपली हमने 5 ग्राम एसिड स्लरी ले लिया है 95 ग्राम वाटर में, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं करूँगा, तो मैं ज़रा इसको मिक्स कर लेता हूँ, तब तक के लिए मैं पॉज कर दूँगा। तो अब इसमें एसिड स्लरी अच्छे से घुल चुका है। एसिड स्लरी के मुकाबले पानी बहुत ज़्यादा है तो घुलने में थोड़ा समय लगेगा। अब मिक्सिंग प्रोसेस हमेशा अच्छे से कीजिएगा, अगर मिक्सिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत हुई तो आपका प्रोडक्ट में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो मिक्सिंग प्रोसेस खास करके ध्यान में रखना। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ कास्टिक सोडा की लाई, और इसका कंप्लीट मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अब इसमें मैंने कास्टिक सोडा की लाई को डाल दिया है। अब इसको कर देंगे दोबारा से मिक्स, जिससे कि एक pH मेंटेन पे एक क्लीनिंग प्रोडक्ट बन जाए। हम एल्यूमिनियम क्लीनर पे इस प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली डिशवॉश से भी ये प्रोडक्ट साफ़ हो जाता है, लेकिन ये बाकी धातुओं के मुकाबले थोड़ा नरम होता है, तो हमें इसमें कुछ नरम एसिड यूज़ करने होते हैं, जो कि कम पावर वाले एसिड होते हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड एक कम पावर वाला एसिड होता है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं भी कर सकते, जिसके भी कुछ रीज़न है जो मैंने शुरू में बताया कि ये सोडियम साइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इसको किसी भी सोडियम, जैसे कि कास्टिक सोडा है या फिर सोडा है ऐसे, बेकिंग सोडा ऐसे हम न्यूट्रिलाइज करेंगे तो ये सोडियम साइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने अब इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा साइट्रिक एसिड। हम 10 ग्राम लिया है, 500 ग्राम के बीच में 10 ग्राम साइट्रिक एसिड लिया है, इसको डाल दिया इसके अंदर। अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। साइट्रिक एसिड पानी में घुलने में थोड़ा समय लगाता है, तो मिक्सिंग प्रोसेस हमेशा अच्छे से करना। जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं होता आपको मिक्स करते रहना है, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको मिक्स होने में। तो मैं मिक्सिंग प्रोसेस के लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देता हूँ, जिससे कि आपका भी थोड़ा समय बच जाए। तो अभी मैंने इसमें साइट्रिक एसिड को मिक्स कर दिया है, काफ़ी टाइम लगता है साइट्रिक एसिड मिक्स होने में। इसमें अभी भी थोड़े थोड़े बुलबुले है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई बड़ा बैच बनाते हो तो ये थोड़ा हीट हो गया रहेगा, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना, ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब ये 500 ग्राम का बैच बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब सबसे अब दूसरे डब्बे में हमें लेना है 350 ग्राम पानी लेना है, ध्यान रहे। तो सिंपली इसमें मैं 350 ग्राम तक पानी ले लेता हूँ, ठीक है। ये 350 ग्राम पानी ले लिया है। अब इस पानी के अंदर डाल देना है बेकिंग सोडा को, जो कि हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। 5 ग्राम लिया हुआ है सोडियम का बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा एक चिलेटिंग एजेंट ही होता है, साइट्रिक एसिड भी हमारा एक चिलेटिंग एजेंट होता है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का सामने जो रेडी प्रोडक्ट होता है उसमें उसकी प्रोसीजर के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है। अगर इसको हम इस तरीके से यूज़ करें तो एक चिलेटिंग एजेंट बन जाता है, लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट यूज़ करें तो इसका काम कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि साइट्रिक एसिड होता है, वो भी होता है एक तरीके का चिलेटिंग एजेंट, लेकिन अगर उसको आप डायरेक्ट यूज़ करो तो वो एक क्लीनिंग एजेंट बन जाता है।
तो सिंपली हमने इसमें बेकिंग सोडा को मिक्स कर दिया है, पानी में घुल चुका ही है काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब इसमें हमें डाल देना है हमारे इस प्रोडक्ट को, लेकिन ये पूरा एक साथ में नहीं डालना है, अगर एक साथ में डालोगे तो फॉर्म बन के सब बाहर आ जाएगा, तो इसको थोड़ा डाल के मिक्स करते जाना है। तो मैं ज़रा उतना मिक्स कर लेता हूँ क्योंकि एक हाथ से कर रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये थोड़ा डाला, अब इसको कर दिया मिक्स, फिर इसको डाला, इसको आपको ऐसा पतली धार से डालते जाना है और मिक्स करते जाना है, जिससे कि सारा फॉर्म बाहर ना आ जाए, वरना ये सब पूरा फॉर्म बन के सब बाहर आ जाएगा, तो आपका सब फ्लोर वगैरह जहाँ पे भी आप बना रहे हो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ध्यान रखना। ये देख सकते हो काफ़ी फॉर्म बन चुका है सिर्फ इतना थोड़ा सा डालने पे, ये फॉर्म थोड़े टाइम में सेटल हो जाता है, जैसे हम मिक्स करते जाते हैं फॉर्म नीचे सेटल होने लग जाता है। और मैं ज़रा इसको पतली धार से मिक्स करता हूँ। तो मैंने इसमें पूरा डाल दिया ये, अब देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फॉर्म बन चुका है। तो अगर ऐसा हो कि आप मिक्स कर रहे हो और फॉर्म ज़्यादा बन रहा है, तो भाई मिक्स करना छोड़ देना और जो आप ये क्लीनिंग जो बना गए इसको इसमें डाल के छोड़ देना। कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दोगे तो ये फॉर्म अपने आप सेटल होने लगेगा, ऐसा लगा तो मिक्स करना छोड़ देना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं अच्छे से मिक्स। देख रहे हो जैसे जैसे मिक्स करते जा रहा हो ये फॉर्म बढ़ते जा रहा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये हो चुका है, ठीक है, तो अब इसको मैं स्टेबल होने के लिए छोड़ दूँगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता फॉर्म सब नीचे नहीं बैठ जाता इसको छोड़ देना है, तो मैं इसको फ़िलहाल स्टेबल होने के लिए छोड़ दूँगा और बाकी की प्रोसीजर फिर उसके बाद करेंगे। तो अब ये इसका फॉर्म काफ़ी स्टेबल हो चुका है, मैंने करीब इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो इसका फॉर्म काफ़ी स्टेबल हो चुका है। अब इसको ठीक करने की प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इसको एक लिक्विड टाइप पे बनाना है, तो हम इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे। ठीक करने के लिए 500 ग्राम के बैच में करीब 25 ग्राम तक SLES लेना है। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस प्रोडक्ट को अगर बनाओ तो पहले छोटा बैच बना लेना और इसकी क्वालिटी को आप टेस्ट कर लेना। चाहे मेरा प्रोडक्ट देखो चाहे किसी का भी प्रोडक्ट देखो, आप पहले छोटा बैच बनाओ, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करो, उसके बाद फिर आप उसको मार्केट में लॉन्च करो, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब इसमें सॉल्ट डाल देते, सॉल्ट लेना है करीब 7 ग्राम तक। SLES हम जो यूज़ करते हैं उसके करीब 25 से 30% तक हमें सॉल्ट लेना होता है, लेकिन सॉल्ट हमें SLES डालने के करीब 3 से 4 घंटे के बाद हमें सॉल्ट उसमें डालना होता है, क्योंकि SLES को पानी में घुलने में करीब 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान में रखो। डायरेक्ट सॉल्ट मत डाल दो, मुझे वीडियो की प्रोसीजर बतानी होती है इसलिए मैंने तुरंत सॉल्ट डाल दिया है। तो भाई आप इस तरीके से एक एल्यूमिनियम क्लीनर आप बना सकते हो। अगर इसकी थिकनेस आपको और भी ज़्यादा कम पड़ रही हो तो बढ़ाने की कोशिश मत करना। हर एक प्रोडक्ट जेल फॉर्म में मिले ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अगर इसको जेल फॉर्म में बनाना है तो मैंने पहले एक कॉपर क्लीनर का मैंने वीडियो बताया हुआ है, अब उस प्रोसीजर के तरीके से इसको जेल फॉर्म में दे सकते हो। ये एक सिंपली एल्यूमिनियम क्लीनर है जिससे कि एल्यूमिनियम में अच्छी सफाई आ सकती है, जिसमें हमने चिलेटिंग एजेंट के तौर पे बेकिंग सोडा को डाला हुआ है, कुछ हद तक सफाई भी होती है और ये वाटर सॉफ्टनर का काम करता है। साथ ही क्लीनिंग के लिए हमने साइट्रिक एसिड डाला है जो कि क्लीनिंग देने वाला है, और कास्टिक सोडा को हमने न्यूट्रिलाइज किया है तो वो भी क्लीनिंग देगा।
तो हमारे पास कुल मिला के क्लीनिंग के लिए दो मेथड, दो इसमें पर्पस रह जाएंगे, एक साइट्रिक एसिड और हमारे क्लीनिंग कास्टिक का न्यूटिलाइजेशन, और प्लस वाटर सॉफ्टनर के लिए हमारे पास बेकिंग सोडा हमने इसमें यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छी है, सफाई देगा। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा कि भाई इस प्रोडक्ट का पहले खुद से बनाओ, मिक्सिंग प्रोसेस को हमेशा ध्यान में रखना, मिक्सिंग प्रोसेस अच्छे से करना, और जब आपसे ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली रेडी हो जाए उसके बाद ही इसका कोई बड़ा बैच बनाना, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैंने ट्रेनिंग अरेंज की है उसके बारे में, तो यहाँ पे सिंपली जो मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग, मैंने कुछ उसमें भी वेरिएशन ले दिए कि अगर किसी को कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग सीखना है तो उसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ ही है, तो उसकी फ़ीस 3,000 रुपीज़ है कम्प्लीटली। जब तक आप सीखने जाओगे आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू रहेगी। अब अगर भाई किसी को ऐसा है कि भाई उतना लंबा हमें ये सारा नॉलेज वगैरह हमें प्राप्त करना, उसमें 2-4 महीने निकल जाए तब जाके हम कब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, तो एक शॉर्ट टर्म में भाई प्रोडक्ट बनाना सिखा दूंगा, एक दिन की ट्रेनिंग रहेगी जिसमें इतने जो प्रोडक्ट बताए हुए हैं ये सारे प्रोडक्ट मैं बनाना सिखा दूंगा। इसकी 2,000 रुपये फीस रहेगी, जिसमें आपका मैं बिज़नेस रजिस्ट्रेशन भी करवा दूंगा साथ ही में इसी फीस में, और ये एक दिन की ट्रेनिंग में आपको ये सारे प्रोडक्ट बनाना सिखा दूंगा। आप एक दिन में इतने ही प्रोडक्ट मैक्सिमम सीख सकोगे भाई, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पे भी मत जाओ। आप अगर फ्रेशर हो आपको सारी चीज़ें समझने में टाइम लग जाएगा, एक दिन में बहुत कुछ नहीं सीखा जाता है, लेकिन आप जितना सीख सकोगे उतना मैं सिखा दूंगा। अगर इतने प्रोडक्ट हो जाने के बाद भी हमारे पास समय रहता है तो कुछ और भी नया प्रोडक्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे, तो मैं इतना सिखा दूंगा। इसकी फीस जो 1 डे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसकी 2,000 रुपये फ़ीस है, अगर आपको कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग सीखना है तो उसकी 3,000 रुपीज़ फ़ीस है, और जो मैंने एक हाई क्वालिटी डिश वॉश डिटर्जेंट लिक्विड और डिश वॉश पेस्ट का जो मैंने वीडियो फॉर्मुलेशन दिया हुआ था, अगर वो फार्मूला परचेस करना है तो उसकी भी मैंने फ़ीस मेंशन की दी है। अगर आप में से किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो आप ट्रेनिंग के लिए भी मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और रही बात इस प्रोडक्ट को बनाने की, तो आप ये एल्यूमिनियम क्लीनर बना सकते हो और इसको आसानी से सेल भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।